तकरार अर्जी के लिए एक महीना पुलिस ने इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं की। उसके बाद मुझे कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने ये आदेश दिया पुलिस को कि इसका FIR दर्ज करो, इसका इन्वेस्टिगेशन करो, और जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद होता है तो कोर्ट को बताओ कि क्या क्या कार्रवाई की। इसके बावजूद वहाँ IO जो है उसने अच्छी तरह से इंक्वायरी की, इसमें बहुत सारे लोगों के उसने सबूत भी जमा किए, बहुत सारे लोग इसमें रहने की संभावना भी जताई, और 4 लोगों को उन्होंने यहाँ इंक्वायरी के लिए लाया। कोर्ट के सामने रखने के बाद उनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी भी मिली, और अब उनके सामने से बहुत सारे तथ्य बाहर आने लगे जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग इसमें अटकने वाले हैं, और ये सारे लोगों को बचाने के लिए अंजलि दमायनिया ने एक मेल हमारे SP को किया कि भाई ये जो IO है, जो इंक्वायरी ऑफिसर, इसको बदल दो। और ये तो बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि हमारे SP ने वो IO के बदली कर दी, मतलब IO से इंक्वायरी निकाल के दूसरे IO को, दूसरे ऑफिसर को दे दी। ऐसा कभी होता नहीं है कि जो आरोपी क्रमांक 1 है, जिसका आरोप लगे है, वो आरोप लगने के बाद वो बोलते हैं कि इंस्पेक्टर को बदल डालो और पुलिस बदलती है, ये तो कोई कानून में भी नहीं बैठता। इसका मतलब ये सही है कि जो कई लोग इसमें अटके हैं, बड़े बड़े लोग अटके हैं, उनको बचाने के लिए, या अंजलि दमानिया और जो मालपुरे है उसको बचाने के लिए ये हो रहा है, ये जनता के भी जानती है। इसके विरोध में मैं न्यायालय में जाने वाला हूँ, और ये SP के विरुद्ध और जिन्होंने ये किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करने वाला हूँ।